कैर है तू सरकार, वीर है तू सरकार, अकेला है तू है हजार, खौफ है तू सरकार। सोच है तू सत्य है तू दुश्मन का गाल है तू आड़ है तू बाढ़ है पहाड़ है तू सरकार। हेलो दोस्तों, आपका आज के न्यू व्लॉग में स्वागत है। कैसे आप सभी? आज हम दोस्तों चलने वाले हैं खदानों पर, तो सबसे पहले तो आप भगवान के यहाँ पर दर्शन कर लीजिए। ये हमारे यहाँ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। हमारे यहाँ का दोस्तों पूरा एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पर आसपास काफ़ी खदानें हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए खदानों की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। तो आज हम भी चलने वाले हैं हमारे यहाँ की कुछ खदानों को देखने कि वहाँ पर कैसे क्या काम चलता है और कौन कौन सी मशीनों का यूज़ होता है प्रोडक्ट बनाने में। तो दोस्तों हम अपने गाँव के रास्ते से खदानों के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ का रास्ता कितना ख़राब है, क्योंकि दोस्तों खदानें तो ऐसे ही रास्तों पर होती है। यहाँ पर दोस्तों आप खेत तो देख ही सकते हैं, तो आप कमेंट में हमें बताइए कि इन लोगों ने यहाँ पर कौन सी फसल लगाई है। दोस्तों यहाँ से आपको आपकी मंजिल काफी साफ दिख रही होगी, लेकिन दोस्तों उसके पहले हमें सामना करना पड़ा इतने खतरनाक रास्तों का। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि मंजिल के मुसाफिर रास्तों की चिंता नहीं करते, और बिना रास्तों की चिंता किए हुए हम भी वहाँ के लिए निकल चुके हैं। तो हम हमारी मंजिल पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं बाइक से नीचे उतर कर यहाँ पर नीचे आ चुका हूँ। यहाँ पर दोस्तों गिट्टी की प्रोडक्शन होती है, लेकिन अभी कुछ दिनों से ये फर्म बंद पड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ पर अभी क्या क्या रखा हुआ है और यहाँ पर कौन कौन सी मशीनरी रखी हुई है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर कुछ आपको ड्रम्स दिखेंगे जिनमें चारकोल रखा हुआ है, और यहाँ पर कुछ ड्रम्स गिरे हुए भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ये सब ड्रम्स यहाँ पर रखे हुए हैं, जो कि दोस्तों अब इनके कुछ भी काम के नहीं है, क्योंकि ये सब खाली हो चुके हैं और ये इन्हें भंगार के भाव में बेच देंगे। कुछ अंदर जाते हुए दोस्तों हमें यहाँ बहुत सारी मशीन वगैरह दिखती है, जो चारकोल की मदद से यहाँ पर गिट्टी बनाने का काम करती है, और ये गिट्टी में मजबूती प्रदान करती है। यहाँ पर दोस्तों ये आपको गोल गोल जो मशीन दिख रही है, इसी में से प्रोडक्शन होकर बाहर निकलता है। ये दोस्तों काफी बड़ी है और इसमें कई टन माल एक साथ में बन जाता है। कितनी बड़ी बड़ी मशीन दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रही होगी। अब यहाँ पर देखिए कि इतना ही अटाला यहाँ पर पड़ा हुआ है, और ये पूरा जो आपको समुद्र दिख रहा है, ये चारकोल का समुद्र यहाँ पर है। यहाँ पर दोस्तों ये मशीन पूरी गंदी हो चुकी है चारकोल की वजह से, और यहाँ पर देखिए ये इसमें पूरा गड्ढे में चारकोल ही भरा हुआ है। इसे दोस्तों डम्बर भी बोलते है, जिसका उपयोग आमतौर पर रोड बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर आप मुझे भी देख सकते है। अब हम आपको कुछ और चीजें भी यहाँ की दिखाते है। यहाँ पर दोस्तों ये बेल्ट लगा हुआ है, जिसमें जो भी प्रोडक्ट इनका रहता है गिट्टी, वो एक तरफ से पत्थर डालते हैं, तो दूसरी तरफ से ये गिट्टी इन मशीनों के थ्रू कट के छोटे छोटे भागों में नीचे की साइड में आ जाती है। ये सभी दोस्तों आपको मशीन दिख रही है, इसमें पत्थर डालते हैं एक साइड से, और फिर दूसरी साइड से इसमें क्रैश होकर वो पत्थर धीरे धीरे गिट्टी के रूप में बाहर निकल आते हैं। ये दोस्तों बेल्ट है, इसमें सबसे पहले पत्थरों को धीरे धीरे तोड़ा जाता है और उन्हें छोटा रूप में किया जाता है। उसके बाद वो और टूट टूट कर नीचे की साइड में आ जाते हैं, जिसके बाद वो गिट्टी के रूप में बन जाते हैं। ये दोस्तों इस कंपनी का हब है, जहाँ पर पूरा डिपार्टमेंट बैठकर अंदर काम करता है, और यहाँ पर देखिए कितने बड़े बड़े वायर्स लगे हुए हैं मशीन को ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद दोस्तों हम निकल जाते हैं अपनी दूसरी खदान के लिए। तो यहाँ पर मैं बाइक से वहाँ जा रहा हूँ, और पीछे से हमारे मित्र यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों ये सभी खदानों को इतना लोगों ने खोद दिया है, और बारिश के मौसम की वजह से यहाँ सभी में पानी भी भर चुका है। हर माइन वाले को दोस्तों 99 साल की लीज दी जाती है। इस टाइम में वो पर्टिकुलर एरिया में अपनी माइनिंग कर सकते हैं। गर्मियों के टाइम में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग तिरने के लिए भी आते हैं, क्योंकि दोस्तों ये पानी काफी साफ होता है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार के जानवर नहीं होते हैं, सिर्फ सांप ही आपको यहाँ पर मिलेंगे अंदर। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी दूसरी माइन पर, वहाँ पर अभी प्रोडक्शन चालू है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और आसपास यहाँ देखिए कितना यहाँ पर काम चल रहा है। यहाँ से दोस्तों मैं आपको एक बार चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ कि कैसे यहाँ पर सब लग रहा है। आसपास दोस्तों कई किलोमीटर तक सिर्फ खदानें यहाँ पर आपको मिलेगी, क्योंकि ये पूरा खदान का एरिया है, और यहाँ पर रोज एक गाड़ी आती है जो सभी को डीजल सप्लाई करती है। ये दोस्तों हमारे मित्र की खदान है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों ये दो तरह की चीजों का प्रोडक्शन करते हैं, पहले तो गिट्टी है और दूसरी ये एमसेंट। एमसेंट दोस्तों बहुत छोटी गिट्टी को और छोटे रूप में किया जाता है, तो उसके बाद एमसेंट बनती है। और दोस्तों ये वो एरिया है जहाँ पर ये माइनिंग करके पत्थर निकालते है, और उसके बाद यहाँ बरसातों में पानी भर जाता है, तो उसे मोटर के द्वारा ये पानी को भी बाहर निकालते है। लेकिन दोस्तों अभी ये पानी काफी बड़ा हुआ है, तो इसे बाहर निकालना तो मुमकिन है ही नहीं। यहाँ पर दोस्तों अगर हम थोड़ा टाइम पहले आते तो आपको ब्लास्टिंग का भी नजारा एक दिखा देते, क्योंकि बहुत सारे एरिया में यहाँ पर ब्लास्टिंग भी हो रही थी।
यहाँ से दोस्तों आप खदान देख सकते हैं, वहाँ पर इनका ट्रक रखा हुआ है और यहाँ पर ये मशीन वर्क कर रही है जो कि अभी गिट्टी बना रही है। दोस्तों यहाँ पर काफी खदान है, एक खदान तो आपको वो सामने दूर भी दिख रही होगी, वो भी काफी बड़ी खदान है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि ये खदानें बहुत नीची है और इसमें पानी भी बहुत ज्यादा भरा हुआ है, तो अगर आपको तैरते नहीं आता हो तो इधर आना ही नहीं चाहिए। और यहाँ पर एक जेसीबी रखी हुई है हमारे मित्र की ही। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन या नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।